गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन विद मैथ्स वर्चुअल क्लास. ओपन पेज नंबर 95. स्टूडेंट्स लुक एट दिस पेज नंबर 95. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कलर द ट्री ग्रीन एंड कंप्लीट द बर्ड्स बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स. आल्सो काउंट द बर्ड्स एंड राइट इन द बॉक्स. सो फर्स्ट we will count the birds, after that we will join the dots. So let's start counting. 1 2 3 4. So students, there are 4 birds. We will write 4 in this box. Now what we have to do, we will join the dots and we will draw the birds by joining the dots like this. बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, पेंसिल को डॉट्स के ऊपर ही रखना है. अगर आप पेंसिल को फास्ट फास्ट चलाएंगे, यू हैव टू मूव स्लोली स्लोली लाइक दिस. अगर आप फास्ट जाएंगे ना, तो फिर ये बर्ड जो है ना सुंदर नहीं दिखेगी. सो यू हैव टू ड्रॉ इट स्लोली स्लोली, यू हैव टू मूव स्लोली. देखो मैम कितनी आराम से कर रही है ना, आपको भी ऐसे ही करना है. और बच्चों ये जो ट्री होता है, आपने कभी ध्यान से देखा है, उसका कलर ग्रीन. हमने इसमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन करना है. और स्पैरो में आपने देखा था ना येलो कलर, हम स्पैरो में भी कलर करेंगे. अगर हम आपको वैसे बोलते कि आप स्पैरो ड्रॉ करो, तो आपके लिए कितना मुश्किल था ना. अब डॉट्स को ज्वाइन करके आपने कितनी अच्छी स्पैरो बना ली है. सो स्टूडेंट, ये हमने बर्ड्स को बना लिया. नाउ आई हैव टेकन दिस ग्रीन कलर. सो नाउ आपने सेम बाउंड्री लाइन के साथ साथ ट्री को कलर करना है और कलर को बाहर नहीं निकालना. ये जो आपने नंबर्स काउंट किए थे ना, इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं, फिर भी ये दिखते रहेंगे हमें, कुछ नहीं होगा इनको. ये देखिए, ये जो जिग जैग बने हुए हैं ट्री, हमने इसकी आउटलाइन बना ली. फिर इसके बाद हम इनसाइड द ट्री वी विल कलर इट, है ना. ऐसे ध्यान से कलर करना है, स्लोली स्लोली. ज्यादा देर थोड़ी लगती है, थोड़ी सी देर लगती है. यू विल मूव लाइक दिस स्लोली स्लोली. आप सभी अब आजकल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप मुझे भेजते हो, कलरिंग करते हुए, काउंटिंग सुनाते हुए, राइम्स रिसाइट करते हुए, है ना. अब तो आप सभी बहुत अच्छा काम करने लग गए हो. ये देखिए हो गया ना ग्रीन. अब ये बर्ड्स तो व्हाइट व्हाइट बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही ना, तो आई हैव टेकन दिस येलो कलर. हम बर्ड्स में भी येलो कलर कर देंगे. ये देखिए हो गया येलो कलर. और ट्री के नीचे कौन सा कलर होगा, ब्राउन. आई हैव टेकन ब्राउन कलर. वुड जो होती है ना बच्चों, ब्राउन कलर की होती है, तो हमने
नीचे वाले पार्ट में ट्री के ब्राउन कलर करना है। ये तभी पिक्चर ब्यूटीफुल लगेगी, चाहे इसमें नहीं लिखा कि येलो कलर करना है ब्राउन कलर, पर हम इसे ऐसे करेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे, कलर द ट्री ब्लू, कंप्लीट द टॉप फेस बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स, ऑल्सो काउंट द टॉप फेस एंड राइट इन द बॉक्स। अब सबसे पहले तो हम टॉफी काउंट करेंगे, है ना बच्चों, उसके बाद कलरिंग स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉफीज। वाओ, आपके पास 8 टॉफीज आ गई। नाउ ज्वाइनिंग द डॉट्स, अगर मैम आपको बोले कि टॉफी बनाओ तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं आती। लुक एट दिस, अभी हमने शेप्स की है ना, कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल के साथ हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक इधर, कितनी सुंदर टॉफी बन गई। सो यू हैव टू मूव स्लोली स्लोली ऑन द डॉट्स विद पेंसिल, हम पेंसिल से धीरे धीरे टॉफीज बनाएंगे। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द शेप्स, है ना। अब हर चीज आप अपने घर के में आसपास घर के अंदर सभी शेप्स को आइडेंटिफाई किया करो। ये देखिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इन दोनों को मिलाने से कितनी अच्छी टॉफीज बन गई है ना। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, हमने सारी टॉफी को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आई हैव टेकन दिस ब्लू कलर, हम ट्रे में ऐसे आउटलाइन के साथ साथ ब्लू कलर को करना हम स्टार्ट कर देंगे। लाइक दिस यू हैव टू मूव लाइक दिस। स्टूडेंट्स ये देखिए मैम ने कंप्लीट कर लिया ब्लू कलर ट्रे के अंदर। नाउ लुक एट दिस, ये देखिए ये ना हमें जो टॉफी है व्हाइट व्हाइट अच्छी नहीं लग रही ना, सो आई हैव टेकन दीज टू कलर। तो अब मैम टॉफी को कलर करना स्टार्ट करती है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए लग रहे हैं ना सुंदर, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर लेके टॉफीज में कर दीजिए। एंड यू हैव टू कलर दिस ट्रे ओनली इन ब्लू कलर। ओके, कंप्लीट दिस पेज नंबर 95। थैंक यू वेरी मच।